लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा, ये मेरी लास्ट इच्छा है, और मेरी बॉडी तिरंगा मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, मैं विश्व में अपने भारत का डंगा बजाना चाहती हूँ, पर मैं इन शॉर्ट में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए जीना चाहती हूँ, मुझे जीने से इसको भी ऐसा लगता है कि मैं ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बंदे बेटे से इसने पंगा ले लिया इसलिए डर रही है भाग रही है, नो मुझे डर नहीं है, वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाब जादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कॉन्टेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या ये वो सारा कुछ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात आगे तक पहुँचाइए, मुझे मदद कर पा रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए, इंडियन सैरनी, यस सैरनी हूँ, पर राइट नाउ मैं सैरनी नहीं हूँ, घायल सैरनी हूँ, तो सोच लो कितने लोगों को मैं कितने तांडव कर सकती हूँ, या फिर कितने लोगों को आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये पता नहीं आप इसे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, पर सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक औरत और स्पेशली भारतीय नारी के पास इतनी ताकत है कि वो पूरे विश्व में भारत का डंका बजा सकती है। यस मेरी जो आइडल हैं वो किरण बेदी मैम हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ऑडियो वायरल करा वो मैंने खुद ने करा है, आई एक्सेप्ट दैट कि यस मैंने खुद ने करा है, मैं सुबह से अपने रूम में कैद हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, और मेरी गलती ये है कि मैंने उस दिन जो है अपनी ड्यूटी करने की जो हिम्मत करी उसकी सज़ा आई थिंक सो मुझे मिल रही है, अगर मैं यार ये कौन है जो बार बार मैसेंजर पे कॉल कर रहा है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके पास बहुत पावर है, सिंगम मूवी देख के या फिर गंगाजल मूवी देख के मुझ में या मुझ जैसे कोई भी भारतीय या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर में जो देशभक्ति की भावना जगती है वो काबिले तारीफ है, और बहुत कम मूवीज ऐसी बनती है जिससे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है मोटिवेशन मिले, तो क्या बोलते कि इतना सब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिफंड में कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और जो है गंगा जल स्पेशली देखने के बाद ये जो एक्शन में मैं आई हूँ गंगा जल देखने के बाद आई हूँ, और जो गंगा जल में जो प्रियंका मैम ने जो भूमिका अदा करी है वो सेम इस वक्त मैं सेम रोल में हूँ, वो रियल लाइफ थी और ये मेरे रियल लाइफ है, वो आईपीएस ऑफिसर थी और मैं एलआर ऑफिसर हूँ, फ़र्क इतना ही है, पर उन्होंने जो डेयरिंग उसमें दिखाया है सेम चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं अकेले कर सकती हूँ बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो करके आई हूँ आपके पास वीडियो ऑडियो पहुँच गया, आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कुछ किया है, पर मुझे अभी और बहुत कुछ करना है जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार, आप जो अपनी अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही हैं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है, मुझे ना किसी बीजेपी से दुश्मनी लेनी है ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, जो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर उनकी कोई गलती नहीं है, उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ नहीं है, सिर्फ तकलीफ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है स्वाभाविक है उस टाइम गुस्सा हो गए, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे उनसे तकलीफ नहीं है, तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सजा मिल रही है, जिन उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी मतलब उन्होंने जो किया उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए उसके बजाय मुझे क्यों मिल रही है, मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया, मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, मेरी गलती क्या है, मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ यही मेरी गलती है।
मेरी गलती ये है कि मैंने अपने जो ऊपरी अधिकारी है उनके उनके जो भी कुछ रिक्वेस्ट थी या फिर जो भी कुछ उन्होंने कहा उन्हें माना नहीं, या फिर उनकी जो भी डिमांड थी वो मैंने पूरी नहीं की। मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ? मेरी गलती क्या है कि मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहती? मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब लोगों को जब तकलीफ होती है तो पुलिस के पास आते हैं, जब आखिरी रास्ता उनके पास होता है तब वो पुलिस के पास होते हैं आते हैं ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। आज देखिए कि एक पुलिस वाली या फिर एक LR ऑफिसर को उनके ही पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। कल तक मैं आपको ये कह रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, पर मेरे सूरत की जो पुलिस डिपार्टमेंट है सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर कुछ लोगों ने मुझे जो है निराश किया है। इस वक्त जो है मेरे फैमिली वाले भी, मतलब कल तक मेरे साथ में थे, आज मेरे फैमिली मेम्बर्स भी ये जो प्रेशर आ रहे हैं उसमें से हिम्मत हारने लगे। मेरे पापा खुद ये कह रहे हैं कि बेटा हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, तेरी जो देश सेवा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं लोगों को, तू घर पर बैठ, हमें तू चाहिए। मतलब दुनिया के लिए शायद मैं कुछ नहीं हूँ, पर मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं ही दुनिया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है, तो जो कुछ कर रहे हैं प्लीज़, इन शॉर्ट में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इस वक्त मेरी जो नाव है ना वो मझधार में है, मतलब तूफान आ रखा है समुद्र में और मैं अकेली नाव चला रही हूँ। मेरी नाव में काफ़ी सारे लोग सवार थे, पर एक एक करके सब उतरते जा रहे हैं। इस वक्त मतलब आज की तारीख में मेरे साथ सोशल मीडिया की पावर के सिवाय कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं। पर मतलब वो कहते हैं ना जब नाव डूबती है तब चोर सबसे पहले उतर के भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, पर कोई मतलब पता नहीं क्या समझते हैं कि मतलब वो लोग को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये मर जाएगी या हमसे हम कहीं फंस जाएंगे। मुझे किसी को नहीं फंसाना है। मतलब उस रात को अगर मेरे साथ कुछ हो गया होता तो उसके बाद आप लोग ये सब कर रहे होते शायद कुछ। मैं तो थैंक यू कहती हूँ उस जवान का, पुलिस ऑफ फ्रेंड का, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। वरना उस दिन मैं ये खुले में कह रही हूँ, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ जब पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ छोड़ दिया है, तो यस मैं खुला कहना चाहती हूँ कि उस दिन निर्भया कांड टू मेरे साथ होने वाला था, वो FOP जवान वहाँ पर नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच होती, पर ये शायद फ़ोटो फ्रेम में होती, रियल में नहीं होती आप लोग के सामने। चलिए कि अगर आप लोग को या फिर मुझे किसी को भी अगर दुनिया में कुछ करना है ना तो ये समाज और परिवार से दूर हटके हम कुछ कर पाएंगे। मतलब कि मेरे जो आइडल हैं वो नरेंद्र मोदी सर हैं, किरण बेदी हैं, अक्षय कुमार हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, कंगना रनौत हैं। स्पेशली मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ कंगना रनौत की, क्योंकि बॉलीवुड में वो अकेली शेरनी ऐसी है जो मुंह पे जवाब दे सकती है। मैं खुद उनसे सहमत हूँ यार कि अगर आप लोगों में हिम्मत है ना तो सबके सामने बोल के दिखाइए, और पूरी बॉलीवुड में सिर्फ वो एक ही शेरनी है जो मुंह पे जवाब देती है। सब लोग कहते हैं कि मतलब सबसे पंगा ले यार, लेकिन क्या बोलते हैं मीडिया से पंगा मत ले। मैंने तो मीडिया से भी पंगा लिया, क्योंकि वो हम लोग को सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और वो खुद ही सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे जब मेरा इंटरव्यू लेने आए तब, और वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे, तो वही चीज़ मैंने उनको कही तो उनको भी मेरी बात बुरी लगी। ठीक है, मतलब जिसको भी आप सही बात बोलोगे बुरा लगे, चाहे वो परिवार वाला हो चाहे अपना फ्रेंड हो। घर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बिटिया मत बनाइए प्लीज़। मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना, क्योंकि मैंने हर जगह से तकलीफ, हर जगह से धोखा, हर जगह से मुझे सिर्फ विश्वासघात ही मिला है। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है, जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है, मेरे फ़ोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा, ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में अगर मैं मर गई हूँ तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुँचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।